Now we will start our chapter, chapter 2, Inside Our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपली आपको एक छोटा सा पैरा बताया है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अर्थ पे चलते हैं. ठीक है, हमारा एक हमारा प्लैनेट है अर्थ, डायनेमिक प्लैनेट है अर्थ. हम लोग हमेशा अर्थ पर क्या करते हैं, चलते हैं, लैंड पर चलते हैं. कभी आप कभी ये सोचा है कि इस अर्थ के अंदर में क्या है, इसके इंटीरियर पार्ट में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, किस चीज़ से ये अर्थ जो है वो मिलकर बना हुआ है. देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक इन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन साइड अनदर विथ वन इनसाइड अनदर. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. द मेन मिनरल कंस्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज थस कॉल्ड सी एल सी एस आई फॉर सिलिका एंड ए एल फॉर एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज देयर फॉर कॉल्ड सीमा, दैट इज एस आई फॉर सिलिका एंड एम ए फॉर मैग्नीशियम. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कि अर्थ किससे पर हम लोग यहाँ पर वही सोचें, अर्थ किससे बना हुआ है. तो ये जैसे हम लोग ऑनियन रहता है, ठीक है, ऑनियन मीन्स क्या, प्याज, प्याज जैसे रहता है ना, तो बीच पे आपका क्या रहता है, एक छोटा सा वो रहता है, उसके ऊपर में एक लेयर है, फिर एक लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है, उसके बाद फिर एक लेयर होता है. लेयर्स के थ्रू वो जो ऑनियन है जो वो बना हुआ होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अर्थ है वो भी लेयर के फॉर्म में बना हुआ है. सबसे इनर कोर को आपका इनर कोर है, उसके जस्ट एक बा उसके ऊपर में एक और कोर है, फिर से एक अनियंस की ही तरह वो क्या हुआ है, बना हुआ है. सबसे अपर मोस्ट पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है. सबसे ऊपर में जो पार्ट है जहाँ पर हमारा लिथोस्फियर वगैरह आता है वो आपका है क्रस्ट. ठीक है, क्रस्ट जो है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है, यहाँ पर थिनेस्ट लेयर है. और कितना है उसका रेंज, कितना है, तो 35 किलोमीटर तक उसका रेंज है, डीप इनसाइड. ठीक है, अंदर अर्थ के अंदर की तरफ में जो सबसे पहला लेयर है वो क्रस्ट है, और वो अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर के आसपास है. उसके बाद में 5 किलोमीटर क्या है, ओशन फ्लोर्स हैं. ओशंस के फ्लोर है, मतलब पानी का जो है ओशंस वगैरह वो वहाँ पर आए हैं. इसके बाद में इसी पार्ट में बोल सकते हैं क्या है, आपका मिनरल्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं. मेनली यहाँ पर बताया है दो टाइप्स के, एक सिलिका और एलुमिनिया जिसको सियाल भी कहा जाता है, और एक सिलिका और मैग्नीशियम जिसको सीमा कहा जाता है. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के ठीक नीचे वाला जो लेयर है वो है आपका मेंटल. ठीक है, देखिए ये आपका क्रस्ट है, ये ओशन है, इसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर है वो आपका है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर के डेप्थ पर है. अप टू 29 किलोमीटर तक है. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट इज कॉल्ड निफी. एन आई फॉर निकल, एफ ई फॉर फेरस, दैट इज आयरन. द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब यहाँ पर देखिए इनर मोस्ट लेयर क्या है, उसके सबसे जो एंड का लेयर है, ठीक है, सबसे जो कोर है, जो सब बीच में जो लेयर है उसको बोला जाता है इनर मोस्ट लेयर. उसका जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर के आसपास है. ये किससे बना हुआ है, तो ये निकल और आयरन से बना हुआ है. इसको निफी भी कहा जाता है. निफी मीन्स एन आई फॉर निकल एंड एफ ई मीन्स फेरस, फेरस मीन्स आयरन. और यहाँ पर जो इसका जो सेंट्रल कोर है, ठीक है, उसमें उसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है. इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स, नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.